Continuing our next part, students. Now we will take the case induced EMF with a stationary magnet. Induced EMF with a stationary magnet and moving coil. So, बेटा इस केस में क्या होगा, मैग्नेट को तो स्टेशनरी करेंगे और कोयल को क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे। देखिए बेटा ये आपकी कोई मैग्नेट है, लीजिए ये आपकी कोई मैग्नेट है बेटा, ठीक है, विद साउथ एंड नॉर्थ पोल एंड यू प्लेस ए कोयल हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आप कोयल रखते हो, लीजिए यू पुट ए कोयल हेयर लाइक दिस वन बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम कंसिडर कर लेते हैं लाइक दिस वन, और यहाँ पे तो आप क्या करते हो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हो, यू पुट ए गैल्वेनोमीटर हेयर, ओके इन दिस केस। और इसके साथ आप क्या कर लेते हो, मान लीजिए बैरिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपके बैरिंग सिस्टम बेटा, ठीक है, आपकी जो कोयल है वो क्या कर सकती है बेटा, मूव कर सकती है। तो अब सेकंड वाले केस में बेटा क्या है, यहाँ पे मैग्नेट स्टेशनरी है बेटा, ठीक है, मैग्नेट इज स्टेशनरी बट कोयल इज मूविंग। तो बेटा क्या होगा, वंस अगेन जो ऊपर वाले केसेस हमने डिस्कस करे हैं, सेम केस आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस वन, बट इन दिस केस कोयल इज मूविंग एंड मैग्नेट इज स्टेशनरी बेटा, ठीक है। तो बेटा व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल एंड द मैग्नेट इज मोर, जितनी ज्यादा रिलेटिव मोशन करेंगे बेटा उतना ही गैल्वेनोमीटर में करंट ज्यादा आएगा, बट व्हेन द रिलेटिव मोशन इज डिक्रीज्ड देन करंट इज आल्सो डिक्रीज्ड बेटा, ठीक है। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद स्टेशनरी मैग्नेट एंड ए मूविंग कोयल बेटा। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही कहा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने यही बोला कि आप ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो बेटा, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कोयल, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट, बाय वेरिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन नेबरिंग कोयल, इन नेबरिंग कोयल, ठीक है बेटा। तो उसका भी एक बार डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे बेटा हम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, किसी आयरन रोड, कोई आयरन रोड ली बेटा उसने, ठीक है, और उसके ऊपर बेटा क्या किया उन्होंने, कुछ वायर की कोयलिंग किया है लाइट पीस को बेटा, ठीक है। तो ये मान लीजिए उन्होंने ऐसे सिंपल कोयलिंग कर दी बेटा, दिस इज प्राइमरी कोयल, और इसके साथ बेटा क्या किया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कनेक्टेड बैटरी हेयर, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे बेटा एक उन्होंने टेपिंग की लगा दी है, ठीक है, और लास्ट में बेटा यहाँ पे लगा दिया वेरिएबल रजिस्टर, क्या लगा दिया बेटा यहाँ पे, वेरिएबल रजिस्टर, और यहाँ पे साथ में बेटा एक कोयल और लगा दी उन्होंने, ठीक है, एक कोयल और उन्होंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, लाइक दिस वन, दिस इज सेकेंडरी कोयल बेटा, आप इसको सेकेंडरी कोयल का नाम दे सकते हो, और इसके साथ आप क्या कनेक्ट करोगे बेटा, गैल्वेनोमीटर, क्या कनेक्ट कर दोगे बेटा यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस केस में देखो बेटा, इसको आप प्राइमरी कोयल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे बेटा, सेकेंडरी कोयल बोलोगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन नेबरिंग कोयल बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ये प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, प्राइमरी में हम क्या करेंगे बेटा, करंट पास करेंगे, प्राइमरी में करंट पास करने से दूसरे वाले के अंदर बेटा ईएमएफ या वोल्टेज बनेगी, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने क्या किया प्राडे ने, तो क्या किया उन्होंने, जैसे टेपिंग किया बेटा, अगर उन्होंने क्या किया टेपिंग की को जैसे ही प्रेस किया, तो उन्होंने क्या किया जैसे टेपिंग की को प्रेस किया, गैल्वेनोमीटर इन द सेकंड कोयल सेकेंडरी कोयल सोर्स डिफ्लेक्शन, ठीक है, टेपिंग की को जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया बेटा, फिर उन्होंने क्या किया इसको टेपिंग की को रिलीज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन आपकी पहले अगर लेफ्ट था बेटा, राइट था, तो इस केस में लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया बेटा, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया टेपिंग की को प्रेस करके रखा, ही कैप्ट प्रेस्ड टेपिंग की, देन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता बेटा, ठीक है। फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला बेटा, लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया कि जैसे हम टेपिंग की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा बेटा, इस बॉडी का, क्योंकि यहाँ पर टेपिंग की को जैसे प्रेस करोगे सर्किट कंप्लीट होते हैं बेटा, इसमें करंट फ्लो करेगा, तो बेटा कहता है करंट स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, इस केस में करंट क्या करेगा बेटा, जीरो से मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, और जब करंट इंक्रीज करता है कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट का क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और इस कोयल की मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कोयल की मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ बेटा क्या लिंक्ड है, तो जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी चेंज होगी उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी चेंज होगी बेटा, और इसी की वजह से इसमें बेटा क्या है करंट आया है। और फिर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि जैसे टेपिंग को रिलीव करते हैं
हैं या रिलीज करते हैं। बेटा कहता है कि उसका जो करंट है मैक्सिमम से जीरो की तरफ आता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी लिंक्ड है जो वो डिक्रीज करती है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन बेटा किस में आ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है इस टाइम। और लास्ट उन्होंने क्या कहा बेटा, अगर आप स्टेपिंग की को प्रेस करके रखते हो कंटिन्यूसली, कहते हैं कि इसका करंट तो इसका राइज करेगा बट इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी। अगर इस बॉडी की, इस प्राइमरी कोयल की अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होती तो सेकेंडरी की भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा कोई करंट नहीं आएगा। लास्ट में बस एक ही कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो EMF बनता है, अगर बॉडी की EMF मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होती तो EMF नहीं बनता। तो फ्राटेस का कंक्लूजन क्या था बेटा, When magnetic flux of body changes, EMF is induced, ठीक है। तो जब भी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो बेटा EMF बनेगा। और सेकंड उन्होंने क्या बोला बेटा, rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। तो बेटा ये दोनों ही कंफ्यूजन यहां से निकलते हैं कि जब भी बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा EMF इंड्यूस बनेगी या करंट बनेगा। और लास्ट वन बेटा, जितने अमाउंट में फ्लक्स चेंज होगा उतने ही अमाउंट में आपका EMF बनेगा बेटा, ठीक है। तो दीज आर द फ्राडेज लॉ, तो दिस इज द फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड लॉ फ्राडेज का बेटा, दैट इज फ्राडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, ठीक है। तो बेटा ये फ्राडेज का एक्सपेरिमेंट और उसके कंक्लूजन बेटा। अगर आपको आज जो भी टॉपिक है मुझे लगता है समझ में आया होगा, अगर आपको कोई डाउट है बेटा आप अपना डाउट ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।